Welcome to my channel. So in the today's video we will discuss about some agronomy related MCQs question which is basically focused on a cropping system, cropping pattern and related topic. Okay, so ये आपके FCI syllabus का ही topic है. ठीक है, आपने बोला था कि topic wise video लाइए, तो मैं वही try कर रही हूँ. तो हम video start करते हैं. Video अच्छा लगे like कर दीजिएगा, channel को subscribe कर लीजिएगा and video को share कर दीजिएगा. So हम video अपना पहला question देखते हैं कि क्या है. हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज. जो आप क्रॉप्स का एक स्पेटियल अरेंजमेंट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो क्या कहलाएगा. यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन हैं, तो आप बताइए ये क्या कहलाता है. ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो है क्रॉपिंग पैटर्न, क्योंकि हमने टॉपिक लिया ही है क्रॉपिंग पैटर्न. तो राइट आंसर जो है वो है क्रॉपिंग पैटर्न. जो स्पेटियल अरेंजमेंट होता है क्रॉप्स का किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं. और ये क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड रहता है कि क्या अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे हम क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग जो पैटर्न है वो डिसाइड होता है. सो अ क्रॉपिंग पैटर्न इट मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर द वेरियस क्रॉप एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम. यानी किसी पर्टिकुलर समय में, किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट मतलब लैंड है आपके पास, तो आपका डिफरेंट प्रोपोर्शन में, डिफरेंट अनुपात में आपने पर्टिकुलर अलग अलग क्रॉप को जो स्थान दिया है. ठीक है, यानी हर क्रॉप का जो स्पेस है डिफरेंट प्रपोर्शंस में, इट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न. सो द क्रॉप द स्टेटिस्टिक्स पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर यूज टू डिनोट द क्रॉपिंग पैटर्न. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ अ प्लान दैट एनालाइज्ड फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यूट्रिएंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. तो यहाँ पर कौन सा प्लान है जिसका यूज़ किया जाता है, जो आपके क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत जो आपके क्रॉप रहते हैं उनकी न्यूट्रंस जो रिक्वायरमेंट है, यानी उनकी न्यूट्रन की जो मांग है, पोषक तत्वों की जो मांग है पौधों की, उसको एनालिसिस करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए कौन सा प्लान जो है वो जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है. तो राइट आंसर आपका जो है वो है, सॉरी, थर्ड इज राइट आंसर, क्रॉप लॉजिंग. ठीक है, ये आपका यूज़ किया जाता है और ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत रखा गया है, मतलब एग्रीकल्चर का एक एलाइड सब्जेक्ट के अंतर्गत मतलब इसकी स्टडी करते हैं. ये मैंने कल का जो वीडियो आया था उसमें ऐसा एक क्वेश्चन था, आप एक बार वीडियो देखिएगा आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो राइट आंसर है क्रॉप लॉजिंग. इट इज़ अ प्लान दैट एनालाइज्ड फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट फॉर द न्यूट्रिएंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. सो हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. जो क्रॉप लॉजिंग क्या होता है, ये एक यूज़फुल हम बोल सकते हैं तकनीक, या फिर एक यूज़फुल तरीका या टूल्स है टू कीप द ट्रैक ऑफ द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द फ्रूट ट्री. बेसिकली किस में यूज़ किया जाता है, बेसिकली अगर ऐसा कुछ आएगा आपको मतलब क्वेश्चन, दूसरा टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, फ्रूट ट्री में यूज़ किया जाता है ये टूल्स. ठीक है, और ताकि समय समय पर न्यूट्रिएंट के जो उनकी स्टेटस हैं कि कम है ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें चेक कर पाएं. सो क्रॉप द लॉजिंग द कैन हेल्प एक्सटेंशन पर्सनल एंड फार्मर डायग्नोज द पॉसिबल न्यूट्रन डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी. डिफिशियंसी यानी कमी, टॉक्सिसिटी यानी किसी न्यूट्रन की अधिकता, दोनों ही हार्मफुल कंडीशन है. ज़्यादा अधिक भी नहीं देना न्यूट्रन, ज़्यादा कम भी नहीं देना. अधिक देंगे तो भी बहुत सारे सिम्टम आएंगे, कम देंगे तो भी बहुत सारे सिम्टम आएंगे. ओके, सो दिस इज सम प्रॉब्लम्स एंड द शेड्यूल द फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस. तो इसका ये क्या होता है, बेनिफिट होता है जो अभी हमने देखा क्रॉप लॉजिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, व्हाट इज़ द मिलेट इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के केस में मिलेट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो है स्मॉल सीडेड ग्रास. तो लार्ज सीडेड ग्रास ये हमारे जो हम मेन खाते हैं, राइस, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, और कल्टिवेटेड फॉर देयर एडेबल ड्राई सीड ये भी नहीं है, बट जो स्मॉल सीडेड ग्रासेस रहती हैं जिनके जो मतलब दाने रहते हैं, ग्रेन्स रहते हैं, बहुत ही छोटे और बारीक रहते हैं, कोदो, कुटकी, मिलेट्स, ठीक, ये आते हैं आपके स्मॉल सीडेड ग्रासेस में, और इनको मिलेट्स नाम दिया गया है एग्रीकल्चर के केस में. सो द मिलेट्स आर द ग्रुप ऑफ हाईली वेरिएबल और स्मॉल सीडेड ग्रासेस. द वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज अ सीरियल क्रॉप और ग्रेन्स
for the fodder and human food. Now next question, the rent theory of the profit is given by whom? किसने दिया था rent theory of the profit? ये exam में बहुत पूछा जाता है, ये theory दिया था. Right answer है professor F.A. वॉल्कर ने दिया था. आपको ये याद रखना है किसने दिया था, तो प्रोफेसर F.A. वॉल्कर दे प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, द नोन एज द रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. सो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में, कि जो रेंट है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल लैंड सिमिलरली. सो द प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग of the least and most efficient entrepreneurs या entrepreneurs. तो दिस इज द रेंट थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट विच इज गिवन बाय द प्रोफेसर F.A. वॉल्कर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पैरेलल क्रॉपिंग. यहाँ पर हमारे पास चार क्रॉपिंग मतलब जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, क्रॉप्स के, उनका जो मतलब पैटर्न है उसके एग्जाम्पल्स हैं. तो इसमें से कौन सा जो है एज अ पैरेलल क्रॉपिंग को शो कर रहा है या डिनोट कर रहा है कि चारों ही नहीं शो कर रहे हैं, तो फिफ्थ ऑप्शन आपका राइट आएगा. तो आपका जो पहला आंसर है वीट एंड मस्टर्ड, दिस इज़ द पैरेलल क्रॉपिंग. तो पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है, इस क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत जो आपके दो क्रॉप्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है. जैसे आपने वीट एंड मस्टर्ड को सेलेक्ट किया, हम एग्जांपल से ही देखते हैं, वीट एंड मस्टर्ड को सेलेक्ट किया, जो क्या है उनकी ग्रोथ हैबिट डिफरेंट होती है, दे हैव द डिफरेंट ग्रोथ हैबिट्स एंड हैव अ जीरो कॉम्पिटिशन बिटवीन द ईच अदर. एक ऑयलसीड क्रॉप है और एक ग्रेन क्रॉप है, दोनों का जो मतलब हैबिट है जो बढ़ने की हैबिट है और जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हैं और जो ग्रोथ स्टेटस है सारी चीज़ें अलग है, तो एक दूसरे से ये कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे और बहुत ही सही वे में ग्रो करेंगे. दिस इज़ द पैरेलल क्रॉपिंग. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द कल्टिवेशन ऑफ मैंगो विथ राइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. जब आप मैंगो सोच रहे हैं कितना बड़ा ट्री होता है, ठीक है, मैंगो का ट्री बड़ा है और बहुत टाइम लगता है ग्रो होने में, और राइस जो है एनुअल ग्रेन है, ठीक, तो इसका राइट आंसर है एग्रोफॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री के अंतर्गत भी मैंगो यानी लकड़ी का यूज़ हम करते हैं, तो वो फॉरेस्ट के अंदर आया, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत है बट फॉरेस्ट्री में भी यूज़ हो जाता है. बट ये जो है आपका एग्रोनॉमी में आता है राइस, तो दिस इज़ द एग्रो एंड फॉरेस्ट्री, दिस इज़ एग्रोफॉरेस्ट्री. सो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. व्हेन वी लाइक वी ग्रो along the agricultural crop that is annual crops and livestock then it is called agroforestry. Example mango with rice. Now seventh question, the crops they are grown between the row of tree or shrub is a type of which cropping. यानी आपके दो trees के जो row हैं, ठीक है, यानी ट्रीज के पेड़ों की वृक्षों की कतारें हैं उनके बीच अगर आप कोई पर्टिकुलर आपका क्रॉप लगाते हैं तो इस टाइप की क्रॉपिंग को आप क्या बोलेंगे. तो इस टाइप की क्रॉपिंग को आप एले क्रॉपिंग बोलते हैं. एले क्रॉपिंग एक ऐसा क्रॉपिंग है जिसमें आप ट्रीज या श्रब्स के रो के बीच में क्रॉप्स लगाते हैं. सो कोई भी एनुअल क्रॉप को जब आप दो रोज जो रहते हैं ट्री और श्रब के उनके बीच अगर आप लगाते हैं इट इज़ कॉल्ड द एले क्रॉपिंग. सो वी कैन गेट फर्टिलाइजर मल्च मटेरियल एंड livestock feed from the pruning of the tree and shrub. ठीक, तो ये इसका advantages हुआ. Now eighth question, which of the following true with respect to the parallel cropping. यहाँ पर हमारे पास तीन जो statement हैं उसमें से मतलब कौन सा जो है true है किसके लिए, parallel cropping के लिए. तो आपका right answer जो है वो है fourth, that is both one and second. ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं. अब देखते हैं कि राइट आंसर जो है वो बोथ वन एंड टू है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. व्हेन टू क्रॉप आर ग्रोन इन द सेम टाइम इन अ पर्टिकुलर लैंड एज अ पैरेलल टू ईच अदर बट दोज क्रॉप हैव डिफरेंट ग्रोथ हैबिट्स नो कॉम्पिटिशन मीन्स जीरो कॉम्पिटिशन दे कैन एक्सप्रेस द फुल यील्ड पोटेंशियल देन इट इज़ कॉल्ड पैरेलल क्रॉपिंग. यानी दोनों अपना फुल यील्ड देते हैं क्योंकि एक दूसरे को कहीं भी कॉम्पीट नहीं करते हैं और उनकी ग्रोथ हैबिट बहुत डिफरेंट रहता है और एक ही टाइम पे एक ही खेत पे उनको एक ही समय पे लगाया जाता है. दिस इज़ द पैरेलल क्रॉपिंग. ओके, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, री हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज. री हार्वेस्टिंग को हम और क्या बोल सकते हैं, री हार्वेस्टिंग को हम रेटूनिंग बोलते हैं जो कि गन्ने में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो ये याद रखना कि री हार्वेस्टिंग इज नोन एज द रेटूनिंग. रेटून क्रॉप इज ग्रोविंग अ फ्रेश क्रॉप फ्रॉम द स्टबल्ड और सकर्स
ऑफ द प्लांट क्रॉप विदाउट रीप्लांटिंग, यानी हम फिर से रीप्लांटिंग नहीं करते हैं, जो स्टबल्स रहते हैं उनको ही हम एज अ मतलब प्लांटिंग मटेरियल के रूप में यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो ये इट इज़ ऑल्सो रिफर्स टू एज अ स्टबल क्रॉपिंग और रीहार्वेस्टिंग। और 10th क्वेश्चन, ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप इन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन, यानी एक आपका कोई खरीफ सीजन है उसमें आप क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप कोई एक ही लैंड पे, सेम पीस ऑफ लैंड पे अगर ग्रो करते हैं, दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी मल्टी यानी एक से ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारे क्रॉप लगा रहे हैं, एक से ज़्यादा यानी दो तीन क्रॉप लगा रहे हैं, सेम लैंड है, सेम सीजन है, दिस इज नोन एज